दूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबसे पहले तुम इस पावन मेवात की धरती में और इस ऐतिहासिक गांव की धरती को सलाम बोलता हूं, सलाम इस धरती को जिसने हर, जैसे ज्यादा सबको मालूम है, 1857 1947 आजादी की लड़ाई, बाबर से लड़ाई, सब लड़ाई का ये सबूत रहा है और इस गांव का बड़ा भारी योगदान रहा है। इस गांव से बहुत शहीद हुए हैं और जैसा यहाँ बताया गया 19 दिसंबर 1947 को जब देश में बंटवारा हुआ और आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हुई तो बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे थे, तो मेरे पिताजी के पास खबर पहुंची यासीन खान जी लेके गए, तो मेरे पिताजी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की। पंडित जी ने कहा गांधी जी को लेके जाओ और साथ की साथ वहां चंडीगढ़ टेलीफोन किया, गोपीचंद भार्गव मुख्यमंत्री थे, उनको ये कहा, आदेश दिए पंडित जी ने कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए, एक भी आदमी मेवात से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेवारी। तो जैसे मैंने कहा राष्ट्र भगत का ये मेवात है, ऐतिहासिक है और राहुल जी आपके परिवार का बड़ा भारी योगदान है इस इलाके में। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने जब ये कहा, इंश्योर किया, वो प्रधानमंत्री थे, गांधी जी आए, स्वयं आए और गोपीचंद भार्गव आए मुख्यमंत्री, और मेरे पिताजी संविधान सभा के सदस्य थे वो आए। अब उसके बाद जो योगिंदर जी कह रहे हैं विकास की बात, योगिंदर जी यहाँ पीने का पानी नहीं था, यूपीए सरकार में सोनिया गांधी जी आई थी हमारी नेता, जब यहाँ रेनीवेल स्कीम चलाई थी और यहाँ पानी का पानी उपलब्ध कराया था, और आपने कहा पढ़ाई के लिए यहाँ पर मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, और इस गांव को सबसे पहले मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया और महिला कॉलेज सालाहेड़ी में खोला गया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय दिए, आरोही मॉडल स्कूल दिए, डाइट वाइट संस्थान दिए, NMS मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज हमने मांडीखेड़ा में दिया, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय का सेटेलाइट कैंपस यहाँ खोला और MDU का यहाँ पे हमने रीजनल सेंटर खोला था, वही सरकार ने कैंसिल कर दिया, यूनानी मेडिकल कॉलेज दिया, पुनाना में महिला कॉलेज दिया और राजीव गांधी पेयजल योजना जो इस इलाके की जीवन रेखा बनी है वो जब उस टाइम दिया गया, और जो गुड़गांव से अलवर मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया गया था, कोटला झील का यहाँ पे बहुत विस्तार किया, ये सारे काम रोक दिए गए। अब जिस रोड का क्या था, स्वयं पैदल रहे हैं चल रहे हैं उसके ऊपर, क्या हाल है इस रोड का, इस रोड का हाल देखा हमने, ये तो सुनते थे कि सड़क में गड्ढे हैं लेकिन गड्ढों में सड़क यहाँ हमने देखी, तलाश करनी पड़ती है। तो आज राहुल जी आए हैं और आपका परिवार का यहाँ बड़ा भारी योगदान रहा है, कांग्रेस पार्टी का रहा है, आज ऐतिहासिक गांव में आए हैं और ऐसी जो याद बताया इतिहास का, राहुल जी को सारा पता है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये परिवार जो है इस इलाके के लिए सदा मजबूती से खड़ा है, और जब भी वहां सोनिया जी जब भी आदेश देती थी तो मेवात के इलाके की बात करती थी, मेरे को उसके विकास की बात करती थी। तो आज आप आए हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि राहुल जी यहाँ आए, तो भाई आज आए हैं तो कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलेगा आपके यहाँ, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।